बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आज है कि कद्दू के कोफ्ते बना रहे हैं। कद्दू बोले तो लौकी, लौकी के कोफ्ते बना रहे हैं। उसको सामान क्या क्या लगता है देखो। जीरा, दो इलायची, 5-6 लौंग, दालचीनी के टुकड़े, थोड़ा शाजीरा, धनिया, और यह की बेसन का आटा, चने का आटा है, और टमाटे और दो प्याज की चटनी। लौकी को अच्छी तरीके से ऐसे छिलका निकाल देने का है इसको, और पूरे खींच के तैयार करना है। कद्दू को हल्का हल्का दबाकर पानी निकालना है। पानी फेंकने का नहीं है, इसमें ग्रेवी में डाल लेता है, और ये कद्दू का इसमें मसाले मिलाने का है। लहसुन का पेस्ट है, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्ची, 1 चम्मच डालने का है, टेस्ट के हिसाब से नमक, Thank you.
जैसा कोफ्ते के जैसा बनाना है। हम सब अच्छे तरीके से मसाले मिला लीजिए है, मिला दिए है और उसको आप उसके कोफ्ते बनाना है। ये हमने सब मसाले मिक्स कर दिए है और उसके कोफ्ते बनाना है। हम है कि आज चूल्हे पे की रेसिपी बना रहे हैं, आप कोफ्ते तड़े है, प्याज भर के उसमें तेल डाले हैं। कोफ्ते हमारे लाल लाल हो चुके हैं और निकालना है। 5 मिनट हो चुके हैं। कद्दू के कोफ्ते बन चुके हैं हमारे, सब बना के रेडी हो चुके हैं। कद्दू के कोफ्ते बन चुके हैं हमारे, सब बना के रेडी हो चुके हैं। सालन बना रहे हैं, इसमें 2 चम्मच तेल डालना है। दालचीनी के टुकड़े, 2-4 लौंगा, 1/4 शाह जीरा, 2 इलायची, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। दाल हो चुका है और ये है कि टमाटे और प्याज का पेस्ट बनाया था, इसमें डालना है। पानी पीने तक अच्छे से भूनना है। अब गाय मसाले डालने का है। एक चम्मच काला मसाला, 1 चम्मच धना मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच के हिसाब से नमक डालना। मैं 1/2 चम्मच डाल रही है, आप 1/2 चम्मच के हिसाब से डाल रहे हैं। इसको अच्छे तरीके से पानी सूखे तक 5 मिनट भुना है। ये 5 मिनट
मिनट हो चुके हैं हमारे कद्दू का पानी निकलना डाल देना है। मसाला गाढ़ा अपने हिसाब से करना है। मैं ऐसा कर दूंगी, नमक भी टेस्ट कर देना है अपने हिसाब से नमक डालना है। जरा गाढ़ी दिखती है, थोड़ा पानी गाढ़ी आधा ग्लास का सालन बन चुका है हमारा। कद्दू के कोफ्ते बन चुके हैं हमारे। अब इसको डिश आउट करने का है। कद्दू के कोफ्ते बन चुके हमारे लजीज। लाइक करो, शेयर करो।